हेलो एवरीवन, हमारे लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सेक्शन 25 तक के देखा था। आज हम सेक्शन 26 से लेकर 30 तक के देखेंगे और सेक्शन 30 के साथ ही हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन 26, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड। एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज़ वॉइड। इसका मतलब है कि हर वो एग्रीमेंट जो किसी व्यक्ति को विवाह करने से रोकता है वो वॉइड होगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति माइनर है, अगर किसी माइनर को किसी एग्रीमेंट के तहत विवाह करने से रोका जाता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। सेक्शन 27 बात करता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी वन इज रिस्ट्रेंड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड। इसका मतलब यह है कि हर वो करार जिससे किसी व्यक्ति को एक लॉफुल लीगल विधिपूर्ण वृत्ति व्यापार या कारोबार करने से रोका जाता है वो उस एक्सटेंट तक के जिस हद तक के वो एग्रीमेंट रोक रहा है वहाँ तक के वो वॉइड होगा। इसमें एक एक्सेप्शन क्लॉज भी है जो बोलता है सेविंग ऑफ एग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ विच गुडविल इज सोल्ड। ये उस एग्रीमेंट की बात करता है जिसकी गुडविल को भी बेच दिया गया है, उन एग्रीमेंट्स पे इस सेक्शन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस एक्सेप्शनल क्लॉज को समझने के लिए हमें सबसे पहले गुडविल वर्ड को समझना होगा। गुडविल वर्ड का मतलब होता है ये बिजनेस का ही एक हिस्सा होता है। इसमें अब जो चीज़ें आती हैं वो हैं किसी भी कंपनी का ट्रेडमार्क या पेटेंट मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसका बिजनेस मॉड्यूल मतलब जिस तरीके से वो बिजनेस करती है वो, उसकी ब्रांड वैल्यू मतलब जो उसका ब्रांड है उसकी जो वैल्यू होती है वो, खुद ब्रांड भी उस चीज़ में इंक्लूड होता है और साथ ही इसमें जो कस्टमर बेस है वो भी आता है, ये कहलाता है गुडविल। अब आगे देखते हैं ये एक्सेप्शन क्लॉज बोलता क्या है। If goodwill of a business has been sold, then the seller may agree with buyer that a similar business will not be carried on by him within a specific local limit so long as the buyer or anyone claiming under him carries on the similar business. इसका मतलब यह है कि अगर किसी business की goodwill को बेचा गया है तो एक seller buyer के साथ इस अग्रीमेंट में आ सकता है कि एक स्पेसिफिक लोकल लिमिट के अंदर वो जो सेलर है वो सेम बिजनेस नहीं करेगा जो उसने अभी अभी बेचा है। और कब तक नहीं करेगा? जब तक के वो जो बायर है वो उस बिजनेस में होता है या फिर बायर के अंडर जो लोग क्लेम कर रहे हैं, जो क्लेम कर सकते हैं उन लोग इस बिजनेस में रहते हैं, तब तक के वो सेलर इस प्रकार का सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा। अब ये क्लॉज क्यों डाला गया? इसका रीज़न यह है कि अगर कोई बायर एक बिज़नेस ख़रीदता है जिसके ख़रीदने के पीछे उसका रीज़न है कि वो उस ब्रांड को ख़रीदना चाहता है या उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदना चाहता है, और उसी वक्त अगर जो सेलर है वो उस बिज़नेस को बेचने के साथ ही उसी लोकल एरिया में एक और बिज़नेस ओपन कर लेता है जो सिमिलर है, तो इससे जो बायर ने जो बिज़नेस ख़रीदा है उसके बिज़नेस पर असर पड़ेगा, उसके मार्केट पर असर पड़ेगा, उसके इंटरेस्ट को सेव रखने के लिए ये क्लॉज बनाया गया है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर नाइकी ने अपनी शू बनाने वाली ब्रांच को बेचा तो जो ख़रीदार है अगर उसने गुडविल भी ख़रीदी है तो इसका मतलब ये होगा कि उसने नाइकी का लोगो ख़रीदा है, उसका ब्रांड नेम ख़रीदा है और साथ में उस कंपनी के पास उस चीज़ से रिलेटेड जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मतलब पेटेंट है या ट्रेडमार्क है वो सारी चीज़ें भी उसने खरीद ली है अगर उसने गुडविल ख़रीदा तो। और अगर नाइकी उस जगह पे जहाँ बायर बिजनेस कर रहा है उस जगह पर वापस एक सिमिलर बिजनेस करता है तो बायर के इंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। उस इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्लॉज बनाया गया है। इसी में आगे ये दिया हुआ है प्रोवाइडेड दैट The limits must be reasonable in the eyes of court regard being to the nature of the business. मतलब
जो लिमिट्स अप्लाई की गई हैं सेलर के ऊपर वो रीजनेबल होना चाहिए, मतलब युक्तियुक्त होना चाहिए। कहाँ? कोर्ट्स की आइज में, मतलब जो कोर्ट है उसको लगना चाहिए कि ये जो लिमिट्स हैं वो रीजनेबल हैं। और वो किस तरीके से इसका रीजनेबिलिटी तय करेगा? वो है जो नेचर है बिजनेस का, उसको देखते हुए ये तय करेगा कि लिमिट्स रीजनेबल हैं या नहीं। सेक्शन 28 बात करता है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वॉइड, मतलब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो लीगल प्रोसीडिंग्स को रिस्ट्रेन करता है, उनको रोकता है, वो वॉइड होगा। एवरी एग्रीमेंट ए बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रेस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट्स अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग्स इन द ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल्स और बाय विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच ही मे दस इन्फोर्स हिज राइट। इसका मतलब यह है कि अगर कोई एग्रीमेंट किसी पार्टी के राइट्स को इन्फोर्स करने से एब्सोल्यूटली रोकता है, मतलब पूरे तरीके से अगर वो रोकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या किसी कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में, या फिर ये बोलता है कि वो जो यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं किसी भी ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल्स में, वहाँ उन राइट्स को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, या वो एक टाइम लिमिट तय करता है कि केवल इस टाइम लिमिट के अंदर ही उन राइट्स को इन्फोर्स कराया जा सकता है, और इस टाइम लिमिट के ख़त्म होते ही उनको इन्फोर्स नहीं करा पाएंगे तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। और या फिर बी ये बोलता है विच एक्सटिंग्विशेस द राइट ऑफ एनी पार्टी देयर टू और डिस्चार्जेस एनी पार्टी देयर टू फ्रॉम एनी लायबिलिटी अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड सो एज टू रेस्ट्रिक्ट एनी पार्टी फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट इज वॉइड टू द एक्सटेंट। इसका मतलब यह है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर ये प्रोविजन करता है कि इसके तहत किसी पार्टी के जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, वो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, या फिर ये बोलता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के ख़त्म होने के बाद उन राइट्स को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, या ये प्रोविज़न करता है कि कोई एक पार्टी एक समय के बाद, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद अपनी किसी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब अपने किसी कर्तव्य को पालन करने का उसके ऊपर कोई इन्फोर्समेंट नहीं हो पाएगा, तो उस एक्सटेंट तक के वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। इसके अंदर ही तीन एक्सेप्शन क्लॉज हैं। इस पहला एक्सेप्शन क्लॉज ये बोलता है सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रिफर टू आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट दैट मे अराइज, मतलब उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ये बचाता है, ये सेक्शन उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई नहीं होगा जो ये प्रावधान करते हैं कि कोई भी डिस्प्यूट को रेफर किया जाएगा आर्बिट्रेशन कोर्ट को। ये एक्सेप्शन क्लॉज बोलता है दिस सेक्शन शैल नॉट रेंडर इलीगल अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच टू और मोर पर्सन्स अग्री दैट एनी डिस्प्यूट विच मे अराइज बिटवीन दैम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट और क्लास ऑफ सब्जेक्ट्स शैल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन एंड दैट ओनली द अमाउंट रिवॉर्डेड अवॉर्डेड इन सच आर्बिट्रेशन शैल बी रिकवरेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट सो रेफर्ड। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ये प्रोविज़न करता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, और उस डिस्प्यूट को किसी भी, चाहे वो सब्जेक्ट के बारे में हो या क्लास ऑफ सब्जेक्ट के बारे में हो, अगर उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है कि उसको उन लोग आर्बिट्रेशन कोर्ट में ही रिफर करेंगे, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होगा। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ये प्रावधान भी करता है कि उस आर्बिट्रेशन कोर्ट में जो भी अवार्ड किया जाता है केवल वही अवार्ड रिकवरेबल हो उस डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो भी यह कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होगा। एक्सेप्शन टू बात करता है सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर क्वेश्चंस दैट हैव ऑलरेडी अराइजन नॉ शैल दिस सेक्शन रेंडर इलीगल एनी कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग बाय विच टू और मोर पर्सन्स अग्री टू रेफर टू आर्बिट्रेशन एनी क्वेश्चन between them which has already arisen or affect any provision of any law in force for the time being as to the reference to arbitration। इसका मतलब ये है कि ये जो section है ये उन contract को भी illegal नहीं बनाता जो ये बोलते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में ये agreement हुआ है
कि कोई क्वेश्चन अगर ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, अराइज हो चुके हैं, तो उनको आर्बिट्रेशन कोर्ट में ही रिफ़र किया जाएगा। अगर ये प्रोविज़न है किसी एग्रीमेंट में तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है। सेक्शन 3 बात करता है सेविंग ऑफ अ गारंटी एग्रीमेंट ऑफ अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2013 में इसको अमेंड करके जोड़ा गया था इस एक्सेप्शन क्लॉज को। ये दरअसल बात करता है उन गारंटी एग्रीमेंट्स की जो किसी बैंक ने दिए हैं या लिए हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने लिए हैं। गारंटी एग्रीमेंट का मतलब होता है अगर आप किसी बैंक से कोई कर्ज ले रहे हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई कर्ज ले रहे हैं तो उसके बदले में आपको एक गारंटी देनी पड़ती है, और वो एग्रीमेंट जिसके तहत गारंटी दी गई है अगर उसमें कोई ऐसा प्रोविज़न है कि इसके तहत सामने वाली पार्टी अपने राइट्स को इन्फोर्स नहीं करा सकती तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट किसी भी तरीके से वॉइड नहीं होंगे सिर्फ इस चीज़ के कारण। सेक्शन 29 बात करता है एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसके मीनिंग को सर्टेन नहीं किया जा सकता या जो सर्टेन नहीं है वो सारे एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे। इसके जो इलस्ट्रेशंस बेयर एक्ट में दिए हुए हैं उसी के हिसाब से देखते हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हें 100 लीटर तेल बेचूंगा तो यहाँ पर ये स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन से तेल की बात हो रही है और उसको स्पेसिफाई किया भी नहीं जा सकता, उसके मीनिंग को सर्टेन किया भी नहीं जा सकता, इसलिए वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। उसी की जगह अगर एक व्यक्ति जो केवल और केवल कोकोनट ऑयल का बिजनेस करता है वो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हें 100 लीटर ऑयल बेचूंगा तो यहाँ पे इसका मीनिंग सर्टेन किया जा सकता है क्योंकि जो पार्टी बेचने की बात कर रही है उसके बिजनेस मॉड्यूल में सिर्फ कोकोनट ऑयल है, वो केवल कोकोनट ऑयल का बिजनेस करता है तो वो ये मीनिंग लगाया जा सकता है कि वो कोकोनट ऑयल की बात कर रहा था, तो वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा अनसर्टेनिटी के कारण। सेक्शन 30 बात करता है एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वॉइड। एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड एंड नो सू शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एलिजेड टू बी वॉन ऑन एनी वेजर और इंटरेस्टेड टू एनी पर्सन टू अबाइड द रिजल्ट ऑफ एनी गेम और अदर अनसर्टेन इवेंट ऑन विच एनी वेजर इज मेड। इस सेक्शन को समझने से पहले ये बात जानना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरीके का हो सकता है, वो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अब अगर कोई एग्रीमेंट किया गया जो वेजर है, वेजर का मतलब होता है पद्यम जो हिंदी में मतलब बाजी या शर्त लगाना, अगर शर्त लगाने वाला कोई एग्रीमेंट है तो वो हमेशा वॉइड होगा। और ये सेक्शन बोलता है कि ऐसा कोई भी सूट नहीं लाया जा सकता, मतलब ऐसा कोई केस नहीं लाया जा सकता किसी भी शर्त लगाई हुई बाजी को या फिर एग्रीमेंट के किसी चीज़ को रिकवर करने के लिए, वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा ही नहीं और ना ही उस चीज़ में जीती हुई किसी चीज़ को वापस क्लेम करने के लिए या उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोई केस कोई सूट नहीं लाया जा सकता। इसमें एक एक्सेप्शन क्लॉज भी है, एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइजेस फॉर हॉर्स रेसिंग। दिस सेक्शन शैल नॉट बी डीम्ड टू रेंडर अनलॉफुल अ सब्सक्रिप्शन और अ कंट्रीब्यूशन और अग्रीमेंट टू सब्सक्राइब और टू कंट्रीब्यूट मेड और एंटर इन टू फॉर टूवर्ड एनी प्लेट प्राइज और सम ऑफ मनी ऑफ द वैल्यू और अमाउंट ऑफ 500 रुपीज और अपवर्ड्स टू बी अवॉर्डेड टू द विनर और विनर्स ऑफ एनी हॉर्स रेस। इसका मतलब यह है कि जो हॉर्स रेसिंग होती है उस चीज़ को इस सेक्शन से अलग रखा गया है। अगर हॉर्स रेसिंग में कोई पद्यम की चीज़ है, बाजी अगर कोई लगाई जाती है एक 500 रुपीस अमाउंट या उससे ज़्यादा के लिए, तो उसको वॉइड नहीं माना जाएगा, वो एग्रीमेंट वैलिड होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसी के आगे बोलता है सेक्शन 294 ए ऑफ द पीनल कोड नॉट अफेक्टेड नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू लीगलाइज एनी ट्रांजैक्शन कनेक्टेड विद हॉर्स रेसिंग टू विच द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 294 ए ऑफ द इंडियन पीनल कोड अप्लाई। इसका मतलब ये है कि इस सेक्शन में की हुई कोई भी बात
उस चीज़ से रिलेटेड नहीं होगी जो ट्रांजैक्शन की बात करता है, किस चीज़ से रिलेटेड, हॉर्स रेसिंग से, और जिसके ऊपर सेक्शन 294A अप्लाई होता है। 294A IPC का बात करता है पनिशमेंट फॉर कीपिंग लॉटरी ऑफिसेस। तो अगर कोई लॉटरी ऑफिस है जो हॉर्स रेसिंग पे पद्यम का करार कराता है, बाजी का शर्त का करार कराता है, तो वो केवल इस सेक्शन के कारण वॉइड नहीं होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ख़त्म होता है। थैंक यू।